तो नमस्कार, आपका अपने यूट्यूब चैनल अतीश इन्फोटेक में स्वागत है। दोस्तों, बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई है आपसे। दरअसल यहाँ पे बहुत अच्छी अपडेट लेकर के मैं आया हूँ। BTUP के हमारे सारे प्यारे स्टूडेंट जो हैं, हमारे सारे सभी भाई और बहनों, यहाँ पे दो जो है BTUP के यहाँ पे एग्ज़ाम्स को लेकर के और एग्ज़ाम सेंटर, और जैसा कि आपको पता होगा, काफ़ी सारे स्टूडेंट जो हैं बोल रहे थे बैक पेपर, स्पेशल बैक पेपर और मल्टी पॉइंट, यानी कि जो एक प्रकार से आप देख सकते हैं कि लेफ्ट ओवर एग्ज़ाम्स को लेकर के भी बैक पेपर का जो है, आप अगर फॉर्म फिलअप करिए होंगे तो आपका जो है, मैं बता दूं, आपका जो है एग्ज़ाम सेंटर वो प्रोवाइड किया गया है। तो यहाँ पे मैं आपको पढ़ के पूरा बता देता हूँ कि आखिर क्या क्या जानकारियाँ जो हैं आपके लिए इम्पोर्टेंट्स हो सकती हैं। तो यहाँ पे विषय हैं विषम सेमेस्टर परीक्षा, विशेष बैक पेपर परीक्षा एवं मल्टी पॉइंट क्रेडिट सिस्टम परीक्षा 2021 हेतु निर्धारित परीक्षा केंद्रों की सूचना। जैसे कि आपको पता होगा कि आपका एग्ज़ाम्स जो है आने वाले 22 मार्च को होने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आप लोग स्टडी अपना करते होंगे, तो आप लोग जो पढ़ाई है वो आप फास्ट कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर्स भी प्रोवाइड कराए जा चुके हैं और काफ़ी सारे यूट्यूबर्स बता रहे थे कि एग्ज़ाम जो है ऑनलाइन होने के चांसेस हैं। मे बी ऑनलाइन होने के चांसेस तब थे जब जो है आपका एग्ज़ाम जो है कैंसल, आपका एग्ज़ाम जो है पोस्टपोन नहीं हुआ था। तो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया है कि उपरोक्त विषय में परीक्षा की बैठक पे यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। तो लिखित परीक्षा आपका 22 मार्च से 2 अप्रैल तक चलेगा, ठीक है। इसके मध्य आयोजन होगा उक्त परीक्षा का। अद्यतन परीक्षा कार्यक्रम परिषद की वेबसाइट पर आपको BTUP.ac.in पे आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे बताने का मेरा ये है कि आपके परीक्षा केंद्रों का जो है यहाँ पे पूरा विस्तारण पूरा है। आप परीक्षा केंद्रों की सूची को जांच लें और उसके बाद सुनिश्चित कर लें कि आपकी संस्था का परीक्षा केंद्र लगा है अथवा नहीं। अगर नहीं तो प्लीज़ आप जो है कार्यालय की तत्काल email ID जो anubhag4bte@gmail.com पे सुनिश्चित करें, अगर आपके कॉलेज का नाम नहीं है तो दोस्तों। और सेकंड थिंग्स जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि ऐसे छात्र छात्राएँ यहाँ पे आपको यहाँ पे दिख रहा है कि आपका जो आपको दिख रहा होगा आपका सेंटर नेम है कि आपका कॉलेज का सेंटर कहाँ गया है, और एलाइड इंस्टीट्यूट में आपको देखना कि आपके कॉलेज का नाम और आपके कॉलेज और इंस्टीट्यूट का कोड है कि नहीं है। तो यहाँ पे मैं बता दूँ, यहाँ पे 41 पेजेज हैं, यानी 41 पेजेज हैं। ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ आप लोग टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करके और टेलीग्राम से ये फाइल आपको डाउनलोड कर सकते हैं और अपने कॉलेज का नाम देख सकते हैं। तो दोस्तों, यही बताना था। अगर आपको कोई डाउट हो रिगार्डिंग द एग्ज़ाम्स को लेकर के कि एग्ज़ाम्स में क्या क्या अपेयरेंस होना चाहिए, क्या नीड होनी चाहिए, क्या ज़रूरत होनी चाहिए, क्या आवश्यकताएँ हैं और कैसे हम अगला अपना प्रिपरेशन और लेफ्ट ओवर एग्ज़ाम्स को लेकर कोई अगर डाउट हो, तो दोस्तों आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो इसके रिगार्डिंग मैं आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं दूसरे किसी अच्छे वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।